इंदौर सहित 6 शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई है। इसको लेकर इंदौर में निगमायुक्त, जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने बैठक कर योजना बनाई। मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। कई प्रोजेक्ट शहर में संचालित किए जा रहे हैं, इनमें से एक प्रोजेक्ट लाइट हाउस भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जिन शहरवासियों के पास खुद का घर नहीं है उनके लिए लाया गया है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के तहत बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम 30 नवंबर से पहले हो जाएगा। प्लांट के पैनल इंदौर में 2 जगह फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद की फैक्ट्री में भी चैनल बनाए जा रहे हैं। अभी तक 54 लोग इसकी बुकिंग करवा चुके हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो हम लोग प्रधानमंत्री आवास में एक बना रहे हैं, उसका काम शुरू हो गया है और ये व्यवस्था रखी गई कि 30 नवंबर से पहले पहले हम लोग उसका काम ख़त्म कर देंगे। बेसिकली उसमें जितना भी प्लिंथ लेवल काम है वो ख़त्म हो चुका है। सुपर स्ट्रक्चर का काम 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा। उसमें जो भी पैनल्स हैं वो अलग अलग 4 जगहों पर बन रहे हैं। कुछ प्लांट्स के जो पैनल्स हैं इंदौर में 2 जगह फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, एक जगह नागपुर में है और एक जगह हैदराबाद में है। तो ये जैसे ही पैनल आएंगे असेंबल होने के बाद ये घर तैयार होंगे। अब तक लगभग 54 लोगों ने इसकी बुकिंग भी शुरू करी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के जो फ्लैट्स हैं उससे 1 लाख की कम राशि में ये फ्लैट्स उपलब्ध हैं, तो लगातार लोग उसकी बुकिंग भी कर रहे हैं। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट अपने तरीके का एक अनूठा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सैंडविच पैनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ये एक यूनिक बिल्डिंग होगी, जिसका अलग अलग कई सारे डिपार्टमेंट्स के जो टेक्निकल विंग है उन्होंने विजिट किया है। IIT के कई सारे स्टूडेंट्स समय समय पर इसका विजिट करते रहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। जो कल का रिव्यू था उसमें सभी जो पूरे देश भर में 6 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे, उनका रिव्यू किया गया था और सभी प्रोजेक्ट्स को टाइमली ख़त्म करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। इसी को लेकर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्य को तेजी से संपूर्ण करने के लिए अधिकारियों द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी पाचपे की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।